और दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एयर एम्बोलिज्म के बारे में। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन में जो बबल्स रहते हैं उनको निकालते हैं, एक्चुअली उसको कहते हैं एयर बबल्स। अगर वो नहीं निकले तो आपकी बॉडी में उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर कोई मजाक में आपको कोई खाली इंजेक्शन लगा जाए तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और उसी को एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ भरी वीडियोस हम आपको देते रहते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको अच्छे से जानकारी दे पाएँ। तो इंजेक्शन लगाने का एक टेक्निक होता है और हर कोई डॉक्टर इसको अच्छे से लगाता ही है। लोगों को लगता है कि इंजेक्शन लगाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक्चुअली में ये इतना भी नॉर्मल नहीं होता है। जब कोई एक प्रैक्टिशनर इंजेक्शन लगाना सीखता है तो उसको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों में आता है आपका एयर बबल्स निकालना, जो इंजेक्शन के अंदर जो अब आप डॉक्टर्स देखे होंगे जब इंजेक्शन लोड करते हैं तो उसको ऊपर तक ले जाते हैं, उसके अंदर जो बबल्स रहती है उसके अपर लेवल तक, उसको एयर निकालने को बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको छोटी सी भी गलती हो जाए तो पेशेंट की मौत तक हो सकती है उस एयर बबल्स। अगर छोटे मोटे एयर बबल्स रह जाते हैं, कभी कभार इतना भी क्लियरिफाई नहीं हो पाता इंजेक्शन से, या फिर अगर कोई ड्रिप लगा रहा है डॉक्टर अगर उसमें बारीक से एयर बबल्स आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के आपको खाली इंजेक्शन भर रहा है या फिर इंजेक्शन लोड कर रहा है और डायरेक्ट ऐसे घुसा दे रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है, उससे प्रॉब्लम आपको हो सकती है, यहाँ तक कि उस पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है। शुरुआत कहाँ से हो सकती है इसमें प्रॉब्लम, जैसे ही वो इंजेक्शन आपके यानी जैसे ही वो ब्लड में वो एयर जाएगा तो आपके जो ब्लड क्लॉट होते हैं यानी जो इसे वेन का रास्ता होगा, अगर कहीं पर एक एयर बबल्स आ जाए तो वहाँ पर बंद हो जाएगा वो रास्ता, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से आगे नहीं जा पाएगा। अगर वो एयर प्रॉब्लम जो एयर आपने डाली है उसके अंदर वो अगर आपके हार्ट तक पहुँच जाए तो हार्ट के चैम्बर में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक तक भी समस्या हो सकती है और उसको लंग्स जैसी कई भी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसके लंग्स में दिक्कत आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। तो ऐसे में आपको कभी भी उसको खाली इंजेक्शन नहीं देना है, या फिर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो एयर प्रॉब्लम जो होती है एयर बबल्स जो होती है उसको हमेशा ध्यान रखें। मेनली पॉइंट यही होता है आपका इंजेक्शन लगाने का कि भैया सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाने का तरीका तो आपको सबको जानते होंगे, उसके वीडियो में अलग से बता दूंगा, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले एयर प्रॉब्लम जो होती है एयर बबल्स का हमेशा ध्यान रखें, उस एयर बबल्स को जरूर निकालें, बिल्कुल नाक की स्थिति रखें कि भैया एक भी गुंजाइश अपने तरीके से नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ पर किसी की मौत भी हो सकती है उस एयर बबल से। यदि किसी को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके शरीर में हवा के बड़े बुलबुले जिसको हम कह सकते हैं, जैसे बुलबुले रहते हैं इंजेक्शन में, तो बुलबुले बन जाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो मजाक में भी कभी भी किसी को खाली इंजेक्शन ना लगाएं, ये बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस सीख रहे हैं किसी से या फिर कहीं पर काम कर रहे हैं तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर छोटे मोटे बबल्स चल जाते हैं तो उससे कोई भी किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर तरीके से चल रहा है और वो धीरे धीरे अपने आप ही बबल्स खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं पर ब्लॉक मोटा बबल्स आ जाता है, मतलब मोटी एयर आ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जा पाएगा, आपके शरीर में ब्लड वगैरह नहीं जा पाएगा, जिससे और भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इसका अगर ट्रीटमेंट करना चाहें तो सेल्फ ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर गलती से कुछ हो गया है तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तुरंत उसको इमरजेंसी में ले जाए। इसमें होता क्या है, पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है या फिर सर्जरी वगैरह के थ्रू उसका जो बबल्स होता है किसी भी तरीके का उसका सर्जरी वगैरह की जाती है, जिससे वो पेशेंट कहीं हद तक बच भी सकता है। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी खाली इंजेक्शन लगाना पेशेंट के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो कभी भी खाली इंजेक्शन किसी को ना लगाएं, मजाक में भी नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एयर एम्बुलेंस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दी है कि खाली इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।